तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एलोन डिजाइन। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं कुछ इस टाइप का फोटो एडिट करके दिखाऊंगा, तो आप लोग देख सकते हैं मतलब सिंपली फोटो जूम करने में बिल्कुल भी क्वालिटी कम नहीं हो रहा है। तो इस फोटो को मैं सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा कैसे फोटो एकदम क्वालिटी एकदम बढ़िया है। तो दिखाता हूँ आप लोगों को पहले वाला फोटो जो कि ओरिजिनल है, तो यहाँ से इसको भी जूम करके दिखा देते हैं। देखिए फोटो में एकदम ओरिजिनल है। तो बात यह है कि पहले से ही फोटो जब क्लियरिटी फोटोशूट जब क्लियर रहेगा, ब्लर नहीं रहेगा फोटो, तो उसका क्वालिटी कम नहीं होगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए फोटो को शूट करें। तो सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाके जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जाइए वहाँ से पहले हमें फॉलो कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी पोस्ट अपलोड करूँ तो वहाँ पर आप लोग कमेंट करके बता सकें कि हमें इस फोटो का ट्यूटोरियल चाहिए। और उससे भी ज़रूरी बात गाइज, अगर आप लोगों ने हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरा सारा PNG और बैकग्राउंड वहीं पे मिलता है। तो सबसे पहले उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए गाइस बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस फोटो को लाइटरूम में एक्सपोर्ट करना है। तो सिंपली गाइज हम लोग अपने फोटो को ऐड कर चुके हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में, तो यहाँ से सबसे पहले हमें लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और एक्सपोजर को 20% बढ़ा लेंगे, हाईलाइट को 100% जीरो रखेंगे, शैडो को थोड़ा सा बढ़ाएंगे 70 तक रखेंगे शैडो को, उसके बाद से वाइट और ब्लैक दोनों को कम रखेंगे थोड़ा थोड़ा, उसके बाद से मिक्स टूल में जाना है और वाइब्रेंस जो इसका लिखा हुआ है इसको हम लोग 95 तक रखेंगे, यहाँ से 95 कर लेंगे। उसके बाद से मिक्स टूल पे क्लिक करना है और ऑरेंज वाले टूल को सेलेक्ट करना है और इसका सेचुरेशन कम करना है, लुमियंस को थोड़ा सा बढ़ाना है। तो देख सकते हैं फेस मतलब हमारा वाइट हो चुका है बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद से रेड वाले का सिलेक्ट करेंगे और इसका भी यू कम रखेंगे और सेचुरेशन 100% बढ़ा लेंगे, 100 या 88 रहेगा ज़्यादा नहीं। उसके बाद से येलो वाला कलर सेलेक्ट करेंगे, इसको एकदम माइनस रखेंगे 100% माइनस, और बगल वाला जो इसके है इसको भी माइनस में ही रखेंगे। ब्लू ग्रीन वाले को भी माइनस रखते हैं, येलो वाला इसको भी माइनस रखेंगे। देख सकते हैं अभी ब्लैक हो रहा है फोटो, तो फिर से ये ब्लू वाला है इसको भी 100% माइनस रखेंगे। तो देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर फोटो मतलब चेंज हुआ है। उसके बाद से यहाँ से इसका थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेना है, नीचे का लुमियंस बढ़ाएंगे ज़्यादा नहीं। उसके बाद से आते हैं क्लियरिटी वाले ऑप्शन में, क्लियरिटी को 30 या 35 तक रखेंगे, टेक्स्चर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, विग्नेट को हल्का सा कम करेंगे 18, और इसके बाद से फिर से इस शार्पनिंग जो लिखा हुआ है इसको हम लोग इंक्रीज करते हैं। तो इतना होने के बाद डिटेल यहाँ से बढ़ा लेंगे फुल, मास्किंग को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, नॉइज रिडक्शन को 50 तक रखेंगे, 50 या 55 डिटेल को फुल रखते हैं, और कलर नॉइज रिडक्शन जो है इसको भी 30 या 32 तक रख लेंगे, स्मूथनेस और डिटेल दोनों को फुल रखेंगे। अभी हम फोटो को आप लोग को जूम करके दिखाते हैं कि फ़ोटो कैसा दिख रहा है। अभी देख सकते हैं फ़ोटो बिफोर और आफ्टर, फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ है। उसके बाद से इस फोटो को सिंपली स्मूथ करना है, तो हम लोग स्मूथ करेंगे। इससे पहले हमें ये वाला जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसको हम इनेबल कर लेते हैं और यहाँ से फ़ोटो को सेव कर लेंगे और लेके चलते हैं फ़ोटो को ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में और फ़ोटो को कर लेते हैं थोड़ा सा स्मूथ। तो सिंपली आप लोग देख सकते हैं फ़ोटो हमारा सेव हो चुका है, तो फ़ोटो को लेके चलते हैं अपने ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में स्मूथ करते हैं। तो गाइस सिंपली आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में, तो यहाँ से फ़ोटो को स्मूथ करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हमें ये स्मूथ वाला ब्रश चूज कर लेना है, उसके बाद साइज़ को यहाँ से बढ़ा लेंगे। देख सकते हैं साइज़ को मैं 129 तक रखूँगा और इसको 7 या 8, 10 तक रखेंगे और यहाँ से इसका 3 रख लेंगे, 3 और इसको 8 रखेंगे और इसको ऐसे जूम कर लेंगे फ़ोटो को, और ऐसे ऐसे फ़ोटो को स्मूथ करना है। आराम आराम से आप लोग कीजिएगा, मैं यहाँ पर वीडियो को फास्ट कर दूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग को देखने में दिक्कत होगा, तो मैं स्मूथ वाला वीडियो यहाँ पे फास्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो रहा है, अभी आप लोग मतलब डेमो देख सकते हैं गाल पे, तो स्मूथ हम लोग कर लेते हैं अच्छे से। तो आप लोग तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए, मैं फ़ोटो को स्मूथ कर लेता हूँ। तो सिंपली गाइज आप लोग देख सकते हैं हमारा फोटो हो चुका है स्मूथ, तो फोटो को यहाँ से डन करके सेव कर लेंगे।
और फोटो को सिंपली हम लोग लेके चलेंगे अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में और आप लोग को दिखाते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो फाइनली हमारा फोटो हो चुका है सेव, तो लेके चलते हैं अपने फोटो को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो गाइज सिंपली हम लोग फोटो को ऐड कर चुके हैं अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो यहाँ से सबसे पहले हमें एक सनलाइट का पीएनजी ऐड करना है, तो हम लोग ऐड कर चुके हैं पीएनजी को। तो इसका साइज हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे डिस्प्ले के हिसाब से। तो देख सकते हैं यहाँ से हमें ब्लेंडिंग मोड को चेंज करना है, यहाँ से इसका स्किन पे रखेंगे और यहाँ पे ऐसे थोड़ा और साइज बड़ा करके इसको ऊपर की साइड में ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा और नीचे की साइड में एडजस्ट करते हैं इतना पे। उसके बाद से यहाँ से डन करेंगे फोटो को। उसके बाद से फोटो में थोड़ा सा लेंस लगाना है, तो इसके लिए हमें ब्यूटी टूल में क्लिक करना है और आई कलर को सिलेक्ट करके और इसका ऑपेसिटी 0 रखेंगे और इसको बड़ा कर लेंगे और इसको नीचे की साइड में इसको अच्छे से पहले एडजस्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे वाले आँख में भी एडजस्ट कर लेते हैं और उसके बाद से फिर से ये वाला लेंस हमको लगाना है। तो 50 इसका रखेंगे, 50 या 52 ऑपेसिटी। हार्डनेस को 0 करेंगे और साइज को थोड़ा सा कम रख करेंगे। उसके बाद से ऊपर का जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम लोग इरेज कर देंगे जिससे कि आँखों में लेंस एकदम अच्छा दिखाई देगा। तो देख सकते हैं अभी लेंस को हम लगा चुके हैं फोटो में। उसके बाद से यहाँ से डन कर देंगे। उसके बाद आँखों में थोड़ा सा रेड इफेक्ट को अप्लाई करना है, तो यहाँ से ऑपेसिटी थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 59 तक रखेंगे और किनारे किनारे आँखों में रेड इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो रेड इफेक्ट अप्लाई करने के लिए यहाँ से डन करेंगे सबसे पहले और हेयर कलर वाले को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से बैक कर लेंगे और यहाँ से कलर अपना चूज कर लेंगे रेड और फिर डन करते हैं। डन करने के बाद इसका हार्डनेस 0 रखेंगे और साइज को कम रखेंगे। उसके बाद से फोटो को ऐसे जूम करेंगे और यहाँ से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ब्रश चला लेना है ऐसे आँखों में। तो देख सकते हैं एकदम अच्छा लग रहा है फोटो देखने में, दोनों आँखों में कर लेना है ऐसे ही। तो यहाँ पे नीचे हम ब्रश अच्छे से कर लेते हैं, तो यहाँ पे इरेज कर देंगे जो लेंस पे लगा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देंगे, बाकी जगह पे रखेंगे। इतना होने के बाद डन करते हैं और फाइनली फोटो को डन करके फोटो को सेव कर लेंगे और फोटो को लेके चलते हैं अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो यहाँ से फोटो को सेव कर लेंगे, पीएनजी में आप लोग सेव कर लीजिएगा फोटो। तो सिंपली गाइज हम लोग आ चुके हैं अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो यहाँ से सबसे पहले मैं ट्यून इमेज पे क्लिक करके यहाँ पे पोर्ट्रेट वाले पोर्ट्रेट मोड को सेलेक्ट करना है और इसका साइज जो भी है इतना ही रखेंगे और इसका स्किन स्मूथिंग थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और आई क्लियरिटी को कम रखेंगे। तो इतना पे रखेंगे, देख सकते हैं अभी बिल्कुल अच्छा दिख रहा है फोटो। तो फोटो को यहाँ इतना ही पे डन करेंगे। उसके बाद से टोटल कंट्रास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और हाई टोन और मीडियम टोन को 0 रखेंगे और यहाँ से लो टोन को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। इतना होने के बाद डन कर देते हैं। फिर से गाइस हमें ये डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसका स्ट्रक्चर और शार्पनिंग दोनों को इंक्रीज करेंगे और ऐसे डन करते हैं। उसके बाद से यहाँ से व्यू एडिट पे जाके और डिटेल पे क्लिक करेंगे और हेयर पे ऐसे यूज़ कर लेंगे ऐसे, जिससे कि थोड़ा हेयर और भी क्लियर दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यूज़ करेंगे, उसके बाद से डन कर देंगे फ़ोटो को। तो इतना होने के बाद अगर आप लोग चाहें तो टूल विज एप्लीकेशन से फ़ोटो में लगा सकते हैं आप लोग ऑयल पेंट का भी इफेक्ट, लेकिन अगर आप लोग नहीं चाहे तो नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए वो भी हम करके दिखा देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ से हम लोग को शेयर कर देना है। तो सिंपली गाइज हम लोग आ चुके हैं टूल बीज एप्लीकेशन में। तो यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन है सॉफ्ट स्मज करके लिखा हुआ है, इस पर हम लोग को क्लिक करना है। तो सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से 5 या 6 नंबर वाला इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। 6 नंबर वाला सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद से मास्क पे क्लिक करेंगे और क्लीन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद से फोटो को जूम करेंगे और अपने हेयर पे ऐसे ऐसे करके ब्रश कर लेना, अप्लाई कर लेना है। तो ये ऑयल पेंट बहुत ही अच्छा लगेगा, आप लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब जिसका बड़ा बाल रहता है उसी के में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग जैसे आप लोगों की मर्जी वैसे यूज़ कीजिए, बस आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है। तो इतना आने के बाद ऑयल पेंट हम यूज़ कर चुके हैं इस पर भी, तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा हम लोग ऑयल पेंट मार चुके हैं हेयर पे। उसके बाद से डन कर देते हैं। उसके बाद गाइज फिर से उसी तरह सॉफ्ट स्मज पे फिर से क्लिक करेंगे
और तीन नंबर को सिलेक्ट करेंगे, तीन या चार नंबर को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद मास्क पे क्लिक करेंगे, फिर से क्लीन पे क्लिक करेंगे और मूछ और दाढ़ी पे यूज कर लेना है ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से यूज करेंगे ऑयल पेंट, तो फोटो बहुत ही अच्छा लगेगा गाइस, आप लोग देख लीजिए फोटो कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से हम लोग अच्छे से ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा आँख पे भी यूज कर लेते हैं, आँख पे यहाँ से यूज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हम लोग यूज कर चुके हैं, तो फोटो को यहाँ से फाइनली डन करते हैं। के बाद से गाइज ये इतना काम हो चुका है, तो फोटो को सिंपली इधर से डन कर लेना है, फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे और एक बार फिर से लेके चलते हैं इसी फोटो को अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो गाइज सिंपली हम लोग आ चुके हैं स्नैपसीड एप्लीकेशन में, तो यहाँ से सबसे पहले ये इस पर हम लोग को क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेलेक्टिव पे क्लिक करेंगे, और सेलेक्टिव पे क्लिक करने के बाद हेयर पे ऐसे यूज कर लेंगे और इसका साइज छोटा कर लेंगे ऐसे, मतलब हेयर पे पूरा यूज होना चाहिए। इसका कंट्रैक्ट जो है इसको फुल करना है और स्ट्रक्चर को भी फुल करना है और सेचुरेशन को कम रखेंगे, तो जिससे कि हमारा मतलब थोड़ा सीबी टाइप का दिखेगा। थोड़ा इधर यूज़ करना है, हेयर देख के आप लोग कीजिएगा अच्छे से। तो इतना पे यूज़ करेंगे, डन करते हैं फोटो को, और बस हेयर पे ही रखेंगे, यहाँ से व्यू एडिट पे जाके इसको बस हेयर पे अप्लाई करेंगे। तो ऐसे करके हेयर पे ऐसे ऊपर की साइड में ऐसे अप्लाई कर लेना है बस। तो इतना होने के बाद डन करते हैं फोटो को, उसके बाद से फिर से इसी ऑप्शन पे जाके डिटेल वाले ऑप्शन पे जाएंगे और स्ट्रक्चर और ये शार्पनिंग दोनों को थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेंगे, उसके बाद से डन करते हैं। फिर से व्यू एडिट पे जाएंगे और डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और इसको अप्लाई करेंगे अपन, मतलब जहाँ जहाँ हेयर है वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर लेंगे ऐसे, जिससे कि हमारा मतलब और भी क्लियर दिखे हेयर। तो यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर लेते हैं, देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी। तो आप लोग अच्छे से कीजिएगा ध्यान से। तो हेयर पे अभी अप्लाई नहीं किए हैं, तो हेयर पे अप्लाई कर लेते हैं। तो फाइनली हो चुका है फोटो तैयार बनके, उसके बाद से फिर से इसी में क्लिक करना है, पोर्ट्रेट पे सिलेक्ट करना है और इसको ऐसे ही बढ़ा के रखना है 24 या 25 तक। स्किन स्मूथिंग को थोड़ा सा रखेंगे, आई क्लियरिटी को थोड़ा कम कर देंगे 14 या 15 तक, उसके बाद से डन करते हैं। फोटो बिफोर और आफ्टर देख सकते हैं, हेयर पे ध्यान दीजिए आप लोग, बिफोर और आफ्टर देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो फाइनली फोटो बन के हो चुका है तैयार, तो यहाँ से फोटो को सेव कर लेंगे। तो गाइस आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।